नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मयंक और मैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल कंपटीशन बुस्टर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण का जो सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं वो हमने लिया है सी जो कि सितंबर 2014 का पेपर है वहां से तो ये जो पेपर है सितंबर दो का है तो आइए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप कुछ भी कहना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं हमें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइएगा उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से पहला जो प्रश्न है कांसा यानी कि ब्रांच दो मिश्र दो धातुओं का मिश्रण है ये दो धातुएं हैं आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रांच एक मिश्र धातु है इन यह जो है किन दो धातुओं से मिलकर बनाया जाता है वो और यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बता देता हूँ यह जो है तांबा और टीन इन दो दोनों धातुओं को मिला बनाया जाता है आते हैं बासठ नंबर प्रश्न की तरफ निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं तो पहला ऑप्शन है उबाल कर गूंथ तो देखिए उबालना गूथ उबालना तो वो तरीका हो सकता है लेकिन गूंथ ये खाना पकाने का तरीका नहीं है खाना पकाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो हम पहले करते हैं यहाँ पे पकाने का अर्थ है कि अनाज को या फिर उस अन्न को पकाते कैसे हैं तो यहाँ पे जो आंसर होगा मैं वो डायरेक्ट आप लोग को बता रहा हूं सेक कर तल कर भून कर यह जो तरीका है खाना पकाने का तरीका या ढंग है तो यहाँ पे ऑप्शन चार जो हो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा आते हैं माउंट एवरेस्ट तिरसठ नंबर प्रश्न की तरफ और प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए यह जम्मू कश्मीर जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है दूसरा ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है तो और तीसरा चौथा ऑप्शन भी आप लोग पढ़ लीजिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ देखिए बेसिकली यह जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो एवरेस्ट की ऊंचाई दे रही है यह किसी में सही नहीं दिया गया है तो बेसिकली तो इसमें कहीं कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होना चाहिए लेकिन यदि नजदीकी ऑप्शन की बात करें लगभग की बात करें तो आप लोग को पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है आठ हजार आठ सौ अड़तालीस है और अपडेटेड में आठ हजार आठ सौ पचास दिया गया है तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई आठ हजार नौ सौ मीटर है यह जो है नजदीकी सबसे सही ऑप्शन है आते हैं चौसठ नंबर प्रश्न की तरफ रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग तीस गुनी होती है यह पेड़ कहाँ पाया जाता है तो रेगिस्तानी पाया जाता है सीधा सा प्रश्न है ऑप्शन है राजस्थान आबुधाबी ऑस्ट्रेलिया या रूस तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया वो वो यहाँ पे करेक्ट होगा पैंसठ नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः पाँच बज के 15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः चार बज के 45 बजे नागर स्टेशन पर पहुँचती है रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कुल दो किलोमीटर है इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में होगी तो हमें क्या ज्ञात करना है औसत चाल तो औसत चाल के लिए आपको मैं फार्मूला बता दूं। कुल दूरी बटे कुल समय तो कुल दूरी कितनी चली गई है दो हज़ार छः सौ उनचास इतनी दूरी चली गई और कुल समय कितना लगा कुल जो समय लगा है पाँच बज के पा, पंद्रह मिनट पे चली थी और दो दिन बाद चार बज के पैंतालीस मिनट पहुँची है यानी कि आधे घंटे कम हो गए हैं अड़तालीस घंटे में यानी कि साढ़े सैंतालीस घंटे हमें टोटल लगे तो आपको क्या करना है छब्बीस सौ उनचास में साढ़े सैंतालीस से डिवाइड कर देना है आपका आंसर निकल के आ जाएगा तो साढ़े सैतालीस से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास लगभग आएगा पचपन दशमलव सात छीक है तो यह लगभग में आंसर भी पूछ रहा है हमसे तो लगभग में जो ये आंसर जाएगा पचपन दशमलव सात छह पांच से ऊपर हो गया इसलिए यह चला जाएगा छप्पन में तो यहाँ पे जो छप्पन होगा ऑप्शन दो ये करेक्ट होगा आते हैं छाछ नंबर प्रश्न की तरफ बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है जनवरी से मार्च अप्रैल से जून जुलाई से दिसंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन अक्टूबर से दिसंबर करेक्ट है आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार राज्य जो है मधुमक्खी पालन के लिए भारत का सबसे अग्रणी देश है आते हैं सड़सठ नंबर प्रश्न की तरफ खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी एग, क्षेत्रों में पाया जाता है यह ऑप्शन करेक्ट है इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती यह भी करेक्ट है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं यह भी करेक्ट है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं जी यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया यानी कि यहाँ पे जो ए बी सी ऑप्शन दिया होगा वो करेक्ट होगा तो ये हमारे पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है यहां तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा आते हैं अड़सठ नंबर प्रश्न की तरफ यहाँ पे पूछ रहा है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं तीन महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः दो क्विंटल होता है जी हाँ यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है तीन महीने के हाथी के बच्चे का भार जो होता है दो कुंटल के लगभग में होता है आते हैं उनहत्तर नंबर प्रश्न की तरफ नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिस जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है क्या लिखा है मैं गांव से आया हूं हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए हमारे घर धरती से लगभग दस या बारह फुट यानी कि तीन से साढ़े तीन मीटर ऊंचे बने होते हैं इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं अब यह पूछा जा रहा है हमसे प्रश्न यह गाँव कहाँ होना चाहिए आंध्र प्रदेश में असम में तमिलनाडु में या फिर उत्तराखंड में तो इस इन ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है असम असम में जो होता है कि 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो क्या होता है यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं बांस के खम्भों पे दस से बारह फीट ऊपर बनाए जाते हैं आते हैं सत्तर नंबर प्रश्न की तरफ ब्रेल लिपि में मोटा मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं यह लिपि आधारित है चार बिंदुओं पर छह बिंदुओं पर आठ बिंदुओं पर या फिर दस बिंदुओं पर तो ब्रेल लिपि जो होती है सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक जिनका नाम था रूई ब्रेल उन्होंने सन अठारह सौ इक्कीस में इस विधि इस लिपि का उपयोग करना शुरू किया था उन्होंने बारह की जगह 6 बिंदुओं पर एक लिपि बनाई जिसमें अलग अलग 64 अक्षर हैं ठीक है तो यहाँ पे जो ऑप्शन दो होगा करेक्ट होगा आते हैं इकहत्तर नंबर प्रश्न की तरफ निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है मैना उल्लू या फिर कोयल यहाँ पे ऑप्शन दो जो होगा करेक्ट होगा उल्लू यह काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा सकता है बहत्तर प्रश्न पे आते हैं हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टिपी कौवा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इन्हें अपने बने इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है आंध्र प्रदेश असम गोवा या फिर केरल तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है गोवा आते हैं तिहत्तर नंबर प्रश्न की तरफ कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां यह खाने के लिए दे, अगर सुझाव दे रहा है तो इनमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उसकी कमी से जो रोग होगा वही होगा तो आ, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें आयरन पाया जाता है और आयरन की कमी आयरन की कमी हो जाती है या फिर ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है एनीमिया हो जाता है जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा चौहत्तर नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं कुछ पक्षी हमारी तुलना में चार गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं यह पक्षी कौन कौन से हैं तो यह पक्षी कौन कौन से हैं तो कौआ चील बुलबुल -बुल, जी नहीं बाज कबूतर तोता तो जी नहीं चील बाज और गिद्ध जी हाँ यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है यह बिल्कुल करेक्ट है पचहत्तर नंबर प्रश्न पे पचहत्तर नंबर जो प्रश्न है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में तो ऐसा कीजिए यदि आपको याद नहीं है तो आप एक बार मानचित्र उठा के देख लीजिए आपको जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट मिलेगा यानी कि दिल्ली यदि यहाँ पे है तो उत्तर पूर्व की तरफ आपको हिमाचल प्रदेश है आप सभी लोग जानते हैं ओके अगला प्रश्न है आपके सब्जेक्ट से ही जुड़ा हुआ है इसे आप ज़रूर बताइएगा सही ऑप्शन बताइएगा और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि आपके आपके तीस में कितने प्रश्न सही होते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगता है यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके ही जाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे जो छिहत्तर नंबर प्रश्न है ई बी एस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है हम कहते हैं ना ई बी एस सर पढ़ा दीजिए तो ई बी एस का मतलब क्या है तो ईबीएस का जो फुल फॉर्म है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा आते हैं सतहत्तर नंबर प्रश्न की तरफ निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो बारी बारी से मैं पढ़ रहा हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कच्छा कच्छ में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर बाहर की दुनिया से जो, साथ जोड़ना दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कच्छा कच्छ में अनुशासन को सुनिश्चित करें जी हाँ यह जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमको मिल गया यह जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है ओके ये पे करेक्ट ऑप्शन होगा आते हैं अठहत्तर प्रश्न की तरफ आंचल अपनी कक्षा पांच में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पना पर प्रश्न पूछती है उसके द्वारा इस प्रकार करने से उद्देश्य किसमें सुधार करना है अवलोकन कौशलों में संवेगात्मक कौशलों में चिंतन कौशलों में या फिर बोलने संबंधी कौशलों में तो अक्सर गहन जांच पड़ताल और कल्पना पर प्रश्न पूछ रही है तो उसका उद्देश्य यह है कि चिंतन कौशलों में जो है बच्चों के सुधार किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन तीन करेक्ट होगा आते हैं उन्यासी नंबर प्रश्न की तरफ कक्षा तीन के विद्यार्थियों सॉरी शिक्षार्थियों को एक चैप्टर का नाम दिया गया है हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रयोग करती है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना और तीसरा जो पद्धति है शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना अब हमारे पास प्रश्न यहाँ से ये निकल के आ रहा है नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है अपनी पाठ योजना का पालन करना बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना दूसरे शिक्षकों अभिभावकों को प्रभावित करना या फिर शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन टू बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का जो नल है प्रयास कर रही है आते हैं अड़तालीस सॉरी अस्सी नंबर प्रश्न की तरफ खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागी भागीदारीता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे अधिक प्रभावी होगी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना यह जो तरीका है बिल्कुल सही है बिल्कुल प्रभावी है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन एक जो होगा करेक्ट होगा ओके आते हैं इक्यासी नंबर प्रश्न की तरफ निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज कराना तीसरा है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप में चिन्हांकन वाले आरेख बनाना और जो चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना तो यह जो ऑप्शन है यहाँ पे चौथा ये यह यहाँ पे करेक्ट होगा यह उद्देश्य नहीं है आते हैं बयासी नंबर प्रश्न की तरफ जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा चार के विद्यार्थियों से विद्या शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा यहाँ पे खाली स्थान में भरना है तो जीव जंतु संरक्षण के कौशलों में विकास दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव अगला जो है कक्षा कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन से परिस्थितियों के जुड़ने तो जी हाँ यह जो प्रक्रिया है उन्हें तिरासी नंबर प्रश्न शाली कक्षा पांच के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है उन्हें श्यांपट पर पाचन तंत्र का रेख बनाना चाहिए पोषक तत्वों के भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें उनकी व्याख्या करनी चाहिए तो यह प्रश्न जो है कल भी आया था यह दो हज़ार में यानी कि पूछा गया है तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन था वो करेक्ट होगा शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वो अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें उसके तत्वों का अवलोकन करें उसके बाद क्या करना चाहिए शिक्षिका को उसके बारे में व्याख्या करना चाहिए सॉरी। नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों को क्रम में आ, क्रम में नहीं लिया गया है काल उपारण करें तो यह प्रश्न भी कल आया था यदि आपको याद है कल का हमारे वीडियो देख रहे हैं यदि आप हमारे लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको कई प्रश्न ऐसे होंगे कई सेट में मिलेंगे तो यह जो क्रम है दिया गया है तो कल की यदि वीडियो देखिए तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा सबसे पहले मैंने क्या बताया था डिजाइन तैयार करना उसके बाद ब्लू तैयार करना उसके बाद प्रश्न लिखना उसके बाद प्रश्न का संपादन करना यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही वो होगा दो चार एक तीन तो देखिए कहाँ पे है ये ऑप्शन दो में हमें दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा अगला जो प्रश्न है हर प्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना यह प्रश्न भी कल आया था तो यह जो ऑप्शन एक होगा यह करेक्ट होगा देखिए लगातार तीन प्रश्न जो है हमारे मिल गए हैं कल की क्वेश्चन से हालांकि यह कल का पेपर नहीं है यह दो का पेपर है कक्षा पांच के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना तो यदि जिज्ञासा को जागृत करना है तो हमें गहन जांच परक और कल्पना प्रश्न कल्पना परक जो प्रश्न होगा वो पूछने होंगे तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा सतासी नंबर यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है देखिए ऊपर जो है जो प्रश्न पूछा गया है यह उससे बिल्कुल जुड़, मिलता जुलता जुड़ता हुआ प्रश्न है तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन सही है वह है शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना ओके अठासी नंबर प्रश्न कक्षा पांच की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के एक पाठ में सर्वेक्षण लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे अपनी चीजों को खोजें और सीखें विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना या फिर शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना तो सर्वेक्षण और लेखन इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें तो यहाँ पे दू दूसरा ऑप्शन ये है कि करेक्ट है नवासी नंबर जो कि आज का सेकंड लास्ट लास्ट प्रश्न है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है क्या करती है प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें दूसरा है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना तीसरा है वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना और चौथा है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना अब हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से सबसे कम प्रभावी होगी तो सबसे कम प्रभावी कौन होगी यहाँ पे हमें चौथा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना यानी कि घर जहा पे ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा तो यह हमारे चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इसलिए ये यह यहाँ पे सही है नब्बे नंबर प्रश्न कक्षा पांच के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को समझ नहीं पाए इसका मुख्य कारण हो सकता है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था जी हाँ यहाँ पे जो ये ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हालांकि यह पेपर बहुत आसान था फिर भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक की लाइक शेयर

तो चैनल आपका है परिवार आपका है तो आपकी जो आप जो कहेंगे वो सरोपर ही है इसलिए मैं सी की परीक्षा के बाद टॉपिक वाइज पहले सबसे पहले मैटर डिस्कस करूंगा उसके बाद जो संभावित सेट या फिर मॉडल पेपर हो सकते हैं वो सहायक शिक्षक भर्ती के लिए डिस्कस करूंगा तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत मैं जल्द ही नया वीडियो लेके आज ही रहता हूँ धन्यवाद